सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे करके हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस में। सो सबसे पहले हम लोग जब टर्बो सी सी प्लस प्लस खोलते हैं तो ये इंटरफेस शो करता है। तो ये इंटरफेस जो है, ये इंटरफेस खोलने के बाद हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं और फिर जाके फाइल पे ओपन करते हैं, फाइल जाके न्यू में क्लिक करते हैं, तब जाके एक न्यू फाइल खोलता है। लेकिन हम लोग इतना नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना चाहते हैं और प्रोफेशनल लोग माउस का यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। सो हम लोग हीरो जैसा यूज़ करेंगे कीबोर्ड का। तो इसको न्यू फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अल्ट और F को प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे एक न्यू फाइल खुल जाएगा। आप यहाँ पे कोडिंग करें और आगे जो भी प्रोसेस होता है वो कीजिए, ठीक है। अब न्यू फाइल खुल गया, अब इसको सेव कैसे करें? सेव करने के लिए आपको जो ट्रिक है वो है F2। F2 जो बटन होता है आपका कीबोर्ड में, उसको आप प्रेस कीजिए सिंपली। तो F2 आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको जो भी नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है, डॉट सी एक्सटेंशन से, अगर सी का कोडिंग कर रहे हैं तो वो आप सेव कर ले, ठीक है। ये हो गया आपका सेव। अब बहुत कुछ का होता है कि इसको बंद करना, ये जो विंडो, ये जो फाइल मैंने खोला है इसको बंद करना है। इसको बंद करने के लिए या तो आप माउस का यूज करके यहाँ पे क्लिक कीजिए इस जगह पे, या फिर इसको आप कीबोर्ड से बंद कर दीजिए। कीबोर्ड से हम लोग बंद करें क्योंकि हम लोग हीरो हैं। सो कीबोर्ड से बंद करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा अल्ट प्लस F3। तो अल्ट एंड F3, ये देखिए बंद हो गया। अब उसी फाइल को मेरे को अगर खोलना है, मतलब एक सेव्ड फाइल को मेरे को खोलना है, तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं आपका F3 से। F3 आप प्रेस कीजिए। तो देखिए हम लोग ने उसको NAM.C से सेव किया था, एंटर कीजिए, देखिए आपका खुल गया, ठीक है। अब आपका आता है कि ये जो ओपन फाइल है, ये मैं सब कुछ आपको मिल जाएगा रिटर्न में, तो आप इतना हड़बड़ाइए मत कि मैं बता रहा हूँ अब जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा रिटर्न में। सो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लेना आप। सो ये हो गया आपका फाइल। अब बहुत होता है कि ये फाइल को मुझे, ये अभी मिनिमाइज फॉर्म में, इसको मैक्सिमाइज कैसे करें? मैक्सिमाइज करने के लिए या तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि हम लोग हीरो हैं। सो हम लोग क्लिक करेंगे अपने, अब हम लोग प्रेस करेंगे एक बटन जो है F5। F5 करेंगे तो देखिए ये बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद मान लेते हैं हम लोग कोई भी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोडिंग करते वक्त बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग को बैकग्राउंड ऐप, जो ये जो बैकग्राउंड ऐप डेस्कटॉप में जाने का मन किया, तो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज हम लोग इजिली इसमें नहीं कर पाते हैं। सो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्ट प्लस एंटर। अल्ट प्लस एंटर, देखिए अल्ट प्लस एंटर आप जब जैसे करेंगे ये आपका डेस्कटॉप में चला जाएगा या फिर ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिमाइज होने के बाद अगर आपको फिर से इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे लेके जाइए कर्सर को और अल्ट एंटर, ये आपका फिर से हो जाएगा, और सेम थिंग मिनिमाइज के लिए, ठीक है। सो हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, एक फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, किसी भी चीज को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कोडिंग कर रहा हूँ मैं कोई भी चीज का, ठीक है, जैसे एक सिंपल कोड मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है, ये तो आप लोग हीरो होंगे ये सब लिखने में, ठीक है। सो ये हो गया जैसे हेलो, ठीक है। अब एक हेलो तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर, तो आप सभी को पता है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ट्रिक। तो ट्रिक योग काम कहाँ आएगा कि मान लीजिए मेरे को नेक्स्ट लाइन में भी यही चीज प्रिंट करना है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता है बहुत किसी से। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक कुछ ऐसा है कि टू कॉपी एनीथिंग, आप उस लाइन के जिस जिस लाइन को आपको कॉपी करना है उस लाइन के स्टार्टिंग में आप जाइए और उस स्टार्टिंग में जाके आपके कर्सर को वहां पे टैप कीजिए, कर्सर को वहां पे स्टार्ट कीजिए और वहां पे आप प्रेस कीजिए Ctrl+K+B, ठीक है। और जहां तक आपको करना है उस लाइन के एंड पे जाके आप प्रेस कीजिए, कर्सर वहां तक पहुंचाइए और वहां पे आप प्रेस कीजिए Ctrl+K+K। याद रखिएगा कंट्रोल आपको प्रेस करके रहना है और 2 बार K को प्रेस करना है। उसी तरह इसमें भी कंट्रोल को स्टार्ट पॉइंट के लिए कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और K प्रेस करना है और फिर B प्रेस करना है, ठीक है। और फिर उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, जहां पर मुझे पेस्ट करना है उस चीज को Ctrl+K+C,
ठीक है। सो आइए देखते हैं हम लोग, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे मुझे इस लाइन को, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को मुझे करना है क्या, कॉपी। सो आप जो कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, इसको मैं यहाँ पर पहुँचाऊंगा, यहाँ पर पहुँच गया। अब कंट्रोल ए प्लस बी, ठीक है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ, लेकिन मैंने कंट्रोल बी के प्लस बी प्रेस किया है और एंड पॉइंट जो है मुझे कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस जगह पे लेके जाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं माउस से नहीं करूंगा। मैं अगर माउस से करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे माउस का तो यूज ही नहीं करना है, क्योंकि मुझे सब कुछ कीबोर्ड से ही करना है। तो याद रखिएगा माउस का यूज नहीं करना, जो लेफ्ट एरो होता है, सॉरी राइट एरो जो होता है, उसको हम लोग प्रेस करेंगे जब तक हम लोग एंड ऑफ लाइन तक ना पहुंच जाएं। एंड ऑफ लाइन तक हम लोग पहुंच गए, अब मुझे प्रेस करना है कंट्रोल के एंड के, ठीक है। ये अब कॉपी हो गया, ठीक है। अब आप इसको कहीं भी पेस्ट करना चाहते हो, जैसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के एंड सी, ठीक है। ये हो गया, अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है कंट्रोल के एंड सी, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है कंट्रोल के एंड सी, ठीक है। तो इस तरह से मैं किसी भी लाइन को, कोई भी लाइन हो, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ टर्बो सी के केस में, ठीक है। अब बहुत कोई ये बोलेगा कि ये कब तक होता जाएगा, ये तब तक होता जाएगा जब तक आप माउस का यूज करके, ये जो कर्सर है माउस वाला, ये माउस के कर्सर को आप कहीं भी टैप ना कर देते हो। अगर आप यहाँ पे माउस के कर्सर को यूज करके यहाँ पर अगर आप टैप कर दिए, तो अब ये जो आप कॉपी किए थे वो आप कहीं पेस्ट नहीं होगा। आप देख लीजिए टैप करके कंट्रोल के और सी, अब पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर से आपको, अगर फिर से किसी लाइन को करना है, तो फिर से आप वही कीजिए, स्टार्ट पॉइंट में जाइए, आप प्रेस कीजिए कंट्रोल के, कंट्रोल प्लस के प्लस बी, और फिर एंड पॉइंट में जाके कंट्रोल के प्लस के, और फिर यहाँ पर आपको पेस्ट करना है कंट्रोल के प्लस सी, ठीक है। सो ये हो गया, अब मेरा कोडिंग हो गया सर। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे कंपाइल करना और रन करना है। तो कंपाइल रन करने के लिए सबको सिंपली, बहुत सभी को पता होता है ये चीज़, कि आपको सिंपली करना क्या है, अल्ट एफ नाइन। आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सो कंट्रोल एफ नाइन मैंने प्रेस किया, सो ये हो गया कंपाइल, और रन करने के लिए कंट्रोल एफ नाइन। अरे रन तो हुआ लेकिन रुका नहीं, क्यों नहीं रुका, आउटपुट विंडो इसलिए नहीं रुका क्योंकि यहाँ पे मैंने गेट सी एच का यूज नहीं किया, और आप सभी को पता है गेट सी एच का यूज नहीं करने से यहाँ पे मेरा विंडो जो है, आउटपुट विंडो, वो रुकने वाला नहीं है। सो उसको मुझे रोकना है, उसको मुझे एक स्टिल बनाना है। तो उसको मैं कैसे करूँ, उसको करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, मैंने कंपाइल किया चीज को, प्रोग्राम को, फिर रन किया, फिर अब मैं करूंगा अल्ट प्लस एफ फाइव। तो देखिए यहाँ पे आ गया हेलो 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 हेलो, समझ आया। मैंने दो बार ही किया है इसलिए ये इतना बार शो कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हेलो 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 हेलो, ठीक है। अब देखिए सॉरी, मैंने दो बार नहीं किया था, वो पुराना था, मैं क्लियर स्क्रीन नहीं किया था मैंने, ठीक है, वो इसलिए वॉइस शो कर रहा था। तो मैंने कैसे किया, मतलब मैं एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आउटपुट विंडो को कैसे करके स्टॉप कर सकते हैं। आउटपुट विंडो को आप स्टॉप कर सकते हैं अल्ट प्लस एफ का यूज करके, ठीक है। ये हो गया मेरा केस। अब जैसे बहुत किसी के सिस्टम में यह होता है कि कंपाइल करते वक्त अल्ट प्लस एफ नाइन अगर आप प्रेस कीजिएगा तो वो बंद हो जाता है सिस्टम। तो वो बंद होने का कारण कुछ भी हो सकता है, मुझे उस बारे में पता नहीं है, बट उस चीज़ को अगर मान लीजिए फिर भी मेरे को अगर माउस का यूज़ नहीं करना है लेकिन मुझे कंपाइल तो करना है, तो कैसे करेंगे, अल्ट सी प्रेस कीजिए और एंटर दाबिए, हो जाएगा, ठीक है। फिर अल्ट आर, ठीक है, ये खुल जाएगा, उसके बाद एंटर कर दीजिए, रन कर जाएगा, ठीक है। इस चीज से मेरे को ये पता चल रहा है ना कि आप अल्ट दबा के ये विंडो को आप एक्सेस कर सकते हो, अल्ट दबा के ये विंडो आपका एक्सेस हो सकता है। जैसे आपको प्रोजेक्ट को एक्सेस करना है तो अल्ट पी, आपका प्रोजेक्ट खुल जाएगा। आपको विंडो खोलना है अल्ट डब्लू, आपका खुल जाएगा। अब उसके बाद जो भी आपका कीबोर्ड का जो एरो बटन है, आप उसको यूज करके जो भी करना आप कर सकते हो। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें माउस का ग्लिच आने लगता है। माउस का ग्लिच का मतलब ये जो माउस है ये काम नहीं करता मेरा ढंग से। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कर सकते हैं क्या, कि उस वक्त तो माउस काम नहीं करेगा तो मैं माउस को सिंपल एज इट इज जहाँ पे हुए वहाँ पे मैं रख देता हूँ माउस का कर्सर को। यहाँ पे करने के लिए क्या होता है, अगर माउस के ग्लिच को आपको ओवरकम करना है तो आप कर सकते हो क्या, आपका जो कीबोर्ड है उसमें आप प्रेस कीजिए अल्ट और स्पेस। तो यहाँ पे अल्ट स्पेस खुलने पे जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे
ये जो टैब है ये टैब खुल जाएगा। इस टैब में जो फर्स्ट ऑप्शन है रिपेंट डेस्कटॉप, इसको आप सिंपली एंटर कर दीजिए तो आपका जो ग्लिच है वो डेफिनेटली हट जाएगा, वो आपका माउस फिर से अच्छे से काम करने लगेगा। अब बहुत बारी हमने देखा है कि कुछ ऐसा ब्लिंक करने लगता है, जो मेरा कर्सर था वो ऐसा ब्लिंक करने लगता है। और ये ब्लिंक करने से क्या होता है कि जो भी हम लोग लिखते हैं, जो पहले से वहां पे लिखा हुआ था वो ओवरराइड करने लगता है उसको, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज को ओवरकम करने के लिए कर सकते हैं इंसर्ट बटन जो आपके कीबोर्ड में है उसको प्रेस कर दीजिए एक बार, वो ठीक हो जाएगा। या फिर जो आपका न्यूमेरिक पैड है वहां पे जीरो का बटन होता है, उस बटन को आप प्रेस कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। जैसे मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने बता दिया कि कैसे सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करते हैं, क्रिएट फाइल कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको कॉपी कैसे करते हैं, माउस के ग्लिच को कैसे ठीक करते हैं, टू मैक्सिमाइज द विंडो जो फाइल है, विंडो मतलब ये जो फाइल कह सकते हैं हम लोग इसको, मैक्सिमाइज द फाइल, टू क्लोज द फाइल, ठीक है, टू क्लोज द फाइल, ठीक है, फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन, अल्ट एफ नाइन, अल्ट एल सी, सो ये सब चीज़ें। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप याद रख सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आप कुछ भी सीखते हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।